ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान में पाइपों से घरों में आने वाली गैस का भारी संकट पैदा हो गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि खुद पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी को सामने आना पड़ा, जिन्होंने यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान में गैस इतनी तेजी से खत्म हो रही है कि उसके पास अगले कुछ सालों में गैस बचेगी ही नहीं। रसोई के चूल्हे से लेकर बाथरूम में गीजर चलाने के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस की पाकिस्तान में ऐसी भयानक किल्लत हो गई है कि कराची से लेकर पेशावर तक कोहराम मचा है। पाकिस्तान के मंत्री का कहना है कि पिछले 2 साल से पाकिस्तान का गैस भंडार प्रति वर्ष 9% की दर से कम हो रहा है, लेकिन गैस के संकट के पीछे उन्होंने अपनी सरकार की कमी नहीं मानी, उल्टा इसका ठीकरा पाकिस्तान बड़े शहरों में रहने वाले लोगों पर फोड़ दिया गया। मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में 23% लोगों को गैस पर सब्सिडी मिलती है, जिसका बोझ पाकिस्तान के दूसरे शहरों में रहने वाले उन 78% लोगों को उठाना पड़ता है जो LPG या कोयले के भरोसे रहते हैं। संदीप बोल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। संदीप, पाकिस्तान में गैस का इतना बड़ा संकट, अब क्या करेगा पाकिस्तान? जी प्रीति, जिस तरीके से पाकिस्तान के लोग पहले से ही बेहाल है, वहाँ की आर्थिक स्थिति जबरदस्त तरीके से खराब हो रखी है, और ऐसे में फवाद चौधरी ने ये साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में उनको गैस के लिए ज्यादा दाम चुकाने पड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे गैस की किल्लत होने वाली है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के पास गैस नहीं रहेगी। फवाद चौधरी ने ये बात कही है कि जिस तरीके से 23% लोग जो कि शहरों में रहते हैं उनको गैस पर सब्सिडी मिलती है, उनको जो है अब उस आदत से बाहर आना चाहिए, यानी कि अब आने वाले दिनों में उनकी सब्सिडी खत्म हो सकती है। यानी हालात इतने बिगड़ गए हैं कि खुद पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी को सामने आकर बयान देना पड़ा, जिन्होंने यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान में गैस इतनी तेजी से खत्म हो रही है कि उनके पास अगले कुछ सालों में गैस बचेगी ही नहीं। रसोई के चूल्हे से लेकर बाथरूम में गीजर चलाने के लिए पाइप से आने वाली गैस की पाकिस्तान में ऐसी भयानक किल्लत हो गई कि कराची से लेकर पेशावर तक कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तान के मंत्री का कहना है कि पिछले 2 साल से वहां का गैस भंडार प्रति वर्ष 9% की दर से कम हो रहा है, लेकिन गैस के इस संकट के पीछे उन्होंने अपनी सरकार की कमी नहीं, बल्कि इसका ठीकरा पाकिस्तान के बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के सिर पर फोड़ दिया। मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में 23% लोगों को गैस पर सब्सिडी मिलती है, जिसका बोझ पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में रहने वाले उन 78% लोगों को उठाना पड़ता है जो LPG या कोयले के भरोसे हैं। सौबात की एक बात यह कि पाकिस्तान की सरकार के पास दूसरे देशों से गैस खरीदने के लिए पैसे नहीं है, और जो गैस खरीदी भी जा रही है उसकी ढलाई पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ रही है, और कंगाली में आटा गीला होने जैसी नौबत है। बात यह है कि पाकिस्तान में PNG CNG का जो घरेलू उत्पादन होता था वो भी 1/4 कम हो चुका है, जबकि दिसंबर और जनवरी के महीने में वहां गैस की डिमांड बढ़ जाती है, जिसे पूरा कर माना जाता है कि पाकिस्तान की सरकार के बस में अब नहीं दिख रहा ऐसा कर पाना। लिहाजा इमरान खान के मंत्री ने पहले ही दुखड़ा सुनाना शुरू कर दिया है कि लोग PNG CNG की किल्लत झेलने के लिए तैयार रहे, क्योंकि गैस या तो मिलेगी नहीं, और मिलेगी तो उसके लिए पाकिस्तान के लोगों को अपनी जेब जलानी पड़ेगी, क्योंकि वहां गैस के दाम बढ़ने की तैयारी चल रही है।